वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा Asus ZenFone Max Pro M2 के अंदर एक अपडेट आया है और ये जो अपडेट है ये छोटा सा अपडेट है, आपको देखने को मिलेगा 73.64 MB का है। आपके अबाउट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो, अपडेट सेक्शन में यहाँ पर रिलीज नोट लिखा है, अपग्रेडेड अप्रैल टू मई सिक्योरिटी पैच, फिक्स डार्क मोड मिसिंग ऑन ऐप ड्राइवर, पुल डाउन क्विक सेटिंग, लॉन्ग प्रेस ऑन पावर की, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे फिक्स ओवरलैपिंग ऑब्जर्व RSSI वार विथ रोमिंग सिंबल ऑन PDP आइकन। तो दोस्तों ये कुछ नॉर्मल कुछ चेंजेस हो रखा है एंड्रॉइड पाई का, जो छोटा सा एक अपडेट मिला है F40A का। तो आइए देखते हैं इसका अपडेट, अगर जैसे हो जाता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है। अभी मैंने अपडेट के लिए सिस्टम अपडेट लगा दिया था, यहाँ पे वो अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे शायद आपको अभी खत्म हो जाएगा, अभी 68 हो चुका है, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हॉल्क के साथ लग के, हॉल्क तो गिर गया है, चलो यहाँ पे सेट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए ये अपडेट। अरे यार रुक जा भाई, क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैक्स प्रो ZenFone यूज करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप मैक्स प्रो M2 के अंदर आपको बहुत सारे कस्टम रोम का रिव्यू देखने को मिलेगा और कैमरा TFA एनेबल करके GCam कैसे इंस्टॉल करेंगे, लाटेस्ट मोड वर्सन रूट का कैसे करेंगे, ये सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो है अपडेट हो चुका है, ये सिस्टम न्यू अपडेट हैज बीन डाउनलोडेड इंस्टॉल इट नाउ, एस्टिमेटेड इंस्टॉल टाइम 10 मिनट, पोस्टपोन आर टाइम। तो यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है, तो कब आपको करना चाहिए, अभी मुझे इमीडिएट करना है तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये चेक करेगा तो एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट पैकेजिंग करके एक बार रिस्टार्ट करेगा, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जब ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड में है तो इसके अंदर एंड्रॉइड क्यू आना चाहिए, तो 101% इसके अंदर एंड्रॉइड क्यू आपको देखने को मिल जाएगा, बट थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि दिसंबर के अंदर अंदर आपको एंड्रॉइड क्यू इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे ZenFone Max Pro M2 जो अपडेट हो चुका है 73.something MB का, तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल अपडेट दिखा दिया। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं जो जो ऑप्शन बोला था उसके अंदर चेंजेस हुआ कि नहीं। सबसे पहले हम डिस्प्ले चले जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डार्क थीम, ऑटोमेटिक वॉलपेपर बेस्ड और एक है डार्क के। डार्क थीम के अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है, बट यहाँ तो आज उजल पहले भी आता था अपने नोटिफिकेशन पैनल पे, वो डार्क थीम आ जाता है। कुछ इसके अंदर रोमिंग ऑप्शन कुछ आ जाता था और वो भी आता नहीं है। यहाँ पे जो मेनू के अंदर आपको देखने को मिल जाता है डार्क थीम, ये काफ़ी बड़ी अच्छी बात है। तो हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और सिस्टम अबाउट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सिस्टम अपडेट के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट टाइम जो यहाँ पे डार्क थीम शो कर रहा था, डार्क थीम देने के बाद यहाँ पर आपको मेनू के अंदर डार्क नहीं दिख रहा था, अब इसके अंदर डार्क देखने को लगा है। तो यहाँ पे फ़ोन ऑप्शन खोलते हैं, तो यहाँ पे फ़ोन ऑप्शन खोलने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे जाते हैं। ओके, 3 डॉट ऑप्शन में जाने के बाद सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन में जाके यहाँ पे डार्क थीम कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन का ऑप्शन को डार्क थीम कर लीजिए और साथ में आपको SMS का भी आपको डार्क थीम देखने को मिल जाता है, SMS का भी आपको डार्क इनेबल देखने को मिल जाता है। तो इसके तहत आप अपने फ़ोन के अंदर जो Max Pro M2 के अंदर डार्क थीम वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ बग्स आए होंगे अभी पता नहीं चल रहा है, जैसे नए नए 1-2 दिन यूज करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है क्या क्या नहीं। अभी फिलहाल जो कि चेंजेस था अपने सामने मैंने अपडेट करके दिखाया। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।